फ्रेंड, वेलकम टू आर यूट्यूब नर्सिंग विदाफिक्राम और आज हम सी एच एन का लास्ट यूनिट जिसका नाम है वाटर उसको डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दीपी एट द एंड एबल सेफ एंड होल वाटर डेरी रिक्वायरमेंट फॉर वन पर्सन सोर्सिसन यूज ऑफ वाटर वाटर बॉन डिजीज वाटर प्योरीफिकेशन एट ए स्मॉल एंड लार्ज स्केल वाटर की डेफिनेशन देखेंगे सेफ़ एंड होलसम वाटर क्या होता है डेली रिक्वायरमेंट्स कितनी होती है वन पर्सन की वाटर के क्या सोर्सेज होते हैं और उसकी क्या पोल्यूशन होती है वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे होता है वाटर कौन डिजीज़ कौन सी होती हैं और लास्ट में हम देखेंगे वाटर प्योरीफिकेशन स्मॉल स्केल में भी और लार्ज स्केल में भी सबसे पहले देखते हैं वाटर वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्री न्यूट्रेंट बिकॉज द फंक्शन ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन अ फ्लूड इन्वायरमेंट पानी हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट है क्योंकि हमारे जो सेल का फ्लूड

एनिमल्स एंड ह्यूमन्स कैन सर्वाइव ओनली फॉर अ फ्यू डेज विदाउट वाटर इंसान और जानवर कुछ दिनों तक पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं इवन प्लांट्स रिक्वायर वाटर लेकिन पौधों को पानी की जरूरत होती है केमिकली वाटर इज मेडअप ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इट्स केमिकल फार्मूला इज एच टू ओ केमिकली वाटर जो है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है इसका केमिकल फार्मूला जो है एच टू ओ है इट कम्पोज ऑफ सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ टोटल बॉडी वेट और ये हमारे तकरीबन जो है टोटल बॉडी वेट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट को कंपोज करता है कलरलेस ऑर्डरलेस कंपाउंड इट कवर्स अबाउट थ्री क्वार्टर्स ऑफ द अर्थ सरफेस कलरलेस होता है इसका कोई कलर नहीं होता ऑर्डरलेस होता है कोई स्मेल नहीं होती ये कंपाउंड होता है और ये हमारी ज़मीन का दो से तीन मतलब तीन क्वार्टर तीन हिस्सा जो है ज़मीन का तीन सतह को कवर करता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुकिंग के लिए ड्रिंकिंग के लिए वॉशिंग के लिए यह हमारे हेल्थ स्टेटस को प्रोमोट रखता है इट रिप्लेस लॉस ऑफ फ्लूड फ्रॉम टिश्यूज़ इस हमारे जो टिश्यूज़ में जो फ्लूड होता है उसको रिप्लेस करता है मेनटेन फ्लूडिटी ऑफ ब्लड हमारे

safe water may be termed as potable potable water means that water which is physically chemically bacteriological suitable for drinking it refers that water is tasteless colorless odorless clear transparent free from microorganism and does not harm the health सेफ़ वाटर क्योंकि हम क्या कहते हैं पोर्टेबल वाटर कहते हैं पोर्टेबल वाटर क्या होता है पाक साफ पानी जो कि फिजिकली पाक हो केमिकली पाक हो उसमें किसी किस्म के कोई बैक्टीरिया ना हो और वो पीने के लिए सुइटेबल हो वो पानी जो टेस्टलेस होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता उसका कोई कलर नहीं होता उसमें कोई स्मेल नहीं होती वो बिल्कुल क्लियर होता है ट्रांसपेरेंट होता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं होता तो वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है सेविंग वाटर इन द वॉशरूम टर्न ऑफ टेप वॉइल ब्रशिंग टीथ टॉयलेट रिक्वायरमेंट ऑफ वन पर्सन वन पर्सन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ड्री फॉर गैलन एग्रीकल्चर फाइव गैलन वन गैलन इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सेवन लीटर बाथिंग एट गैलन ड्रिंकिंग जीरो पॉइंट फाइव केलन कुकिंग जीरो पॉइंट फाइव केलन वाशिंग ऑफ यूटेंसिल वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल का मतलब होता है वो पानी जो आप बर्तन वगैरह धोने के लिए यूज़ करते हो उसको हम यूटेंसिल कहते हैं जो यूज़ में आता है एबल्यूशन वज़ू वन गैलन रिसोर्स ऑफ वाटर रेन वाटर सरफेस वाटर अंडरग्राउंड वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट रेन वाटर इट्स एक्चुअल डिस्टिल वाटर रेन इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल वाटर इट्स द प्योरेस्ट वाटर इज नेचर ये जो है एक्चुअली तौर पर डिस्टिल वाटर होता है रेन जो है वो मेन सोर्स होता है तमाम पानी का ठीक है यानी कि जितना भी पानी होता है उनका एक मेन सोर्स होता है एक जरिया होता है ये प्योरेस्ट होता है और नेचुरली होता है फिजिकली इट इज़ क्लियर ब्राइट एंड स्पार्कलिंग फिजिकली तौर पे अगर हम इसको देखें तो ये क्लियर होता है ब्राइट चमकता हुआ होता है और स्पार्क करता है हाउ एवर केमिकली इट इज़ वेरी सॉफ्ट वाटर कंटेनिंग ऑनरेट ट्रेसिस ऑफ डिजोल्व सॉलिड हाउ एवर यानी कि केमिकली तौर पे अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वाटर होता है इसमें जो ट्रेसिस होते हैं वो डिज़ोल्व सॉलिड होते हैं डिजोल्व सॉलिड का मतलब क्या होता है कि जब बारिश आती है तो जब शीशे वगैरह पे पड़ती है उसके बाद उस पर एक निशान पड़ जाते हैं जो कि डिज़ोल्व सॉलिड के होते हैं वो ट्रेसिस होते हैं रेन वाटर टेंस टू बिकम इमप्योर एज इट पासिज थ्रू द एटमोस्फेयर इज पिक्स अप सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट रेन वाटर क्या करती है इम्प्योर होती है जब ये एटमोसफेयर से पिक करती है तो इसमें क्या होती है डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो शामिल हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस अमोनिया द एम्प्योरिटीज कलेक्टेड बाय द रेन बिफोर इट इच द सरफेस यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं कुछ गैसेस होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है नाइट्रोजन होता है ऑक्सीजन होता है अमोनिया होता है जो एम्प्योरिटीज़ कलेक्ट होती हैं रेन से वो हमारे पास पहुँचने से पहले इसमें कलेक्ट होती है मतलब बारिश होने से पहले ही इसमें ये तमाम चीज़ें तमाम गैसेज तमाम डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं रेन टेक दिज इंप्योरिटीज फ्रॉम द एयर अब ये तमाम इंप्योरिटीज इसके पास कहाँ से आती हैं एयर से आती हैं हवा से आती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिटेड बाई पावर प्लांट इन एटमोसफियर विच रीच विथ रेन वाटर एंडिंग डॉल्यूड सोल्यूशन ऑफ सल्फरिक एंड नाइट्रिक एसिड एंड परसेप्शन ऑफ द एसिड्रेंट सल्फ़र एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस है उसकी प्रेजेंस में पानी यानी कि पावर प्लांट से पानी क्या करता है इमिट आउट होता है हमारे एटमोसफियर से जो कि रेन वाटर तक जाता है उसके बाद क्या होता है जब ये नाइट्रोजन एंड सल्फर इसमें मिल जाएगा तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बन सकता है सल्फरिक एंड नाइट्रिक एसिड इसके अंदर मिला होता है तो फिर ये एसिड रेन कहलाता है एसिड रेन एज सीरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड इकोसिस्टम इट्स चीफ सोर्स ऑफ वाटर इट्स एस्ट्राइल क्लीन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग और ये क्या है एसिड रें जो होती है वो हमारे लिए ख़तरनाक होती है हमारी हेल्थ पर जो इफ़ेक्ट करती है जो पहली बारिश होती है और हमारे इको सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करती है इट इज़ चीफ ये एक चीफ सोर्स है वाटर जो है एक चीफ सोर्स ऑफ वाटर है स्ट्राइल होता है क्लीन होता है प्योरेस्ट होता है ये भी एक वाटर की फॉर्म है जो कि सुइटेबल हो पीने के लिए रेन वाटर फेल रेन वोटर रेन फॉल मेक्स एसिड विथ एल्यूमिनियम लीड जिंक आयरन फ्रॉम द सॉयल एंड कैरीज एल्यूमिनियम टू रिवर एंड लेक्स टू मेक द पोल्यूटेड रेनफॉल क्या होता है एसिड रेनफॉल को एसिड कौन बनाता है एल्यूमिनियम जो गैसेस हैं लिंक है जीड लीड है जिंक है आयरन है, है तो ये क्या करती हैं रेनफॉल को एसिड बनाती हैं कहाँ से सॉइल से और क्या कैरीज करती हैं एल्यूमिनियम कैरीज करती हैं कहाँ से करती हैं रिवर से लेक से ताकि इसको पोल्यूटेड बना सकें ड्यू टू दिस एसिड रेनफॉल में फॉरेस्ट एंड ट्री मैर लाइफ इज बिंग की वजह से कुछ दर कुछ जंगलात और हमारी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो सकती है एसिड रेन हमारी कौन सी होती है जो पहली बारिश होती है द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ रेन वाटर मेक इट यूजफुल इन वॉशिंग एंड एबजेंस ऑफ लाइम स्टॉल मेक इट डिजायरेबल फॉर कुकिंग बारिश के पानी में से जब हम हार्डनेस को रिमूव कर देंगे तो वो पानी जो है यूजफुल हो सकता है जस्ट फॉर वॉशिंग के लिए ठीक है अगर हम उसमें से एबसेंस ऑफ लाइम मतलब कि उसकी नमकियात को रिमूव कर देंगे तो वो कुकिंग के लिए भी डिज़ायरेबल है इट इज़ यूज ओनली फॉर ड्रिंकिंग इंडिविजुअल फॉर कम्युनिटी वेन इट इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली जब बारिश के पानी को डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है तो वो किसी एक के लिए या कम्युनिटी के लिए यूजफुल हो सकता है ड्रिंक के लिए केयर फॉर कलेक्टिंग सरफेस एंड सेपरेशन ऑफ द फर्स्ट फ्लो ऑफ रेन वाटर विच कंटेन मोस्ट ऑफ द ग्रॉस इम्प्योरिटीज़ यानी कि जो भी हम पानी कलेक्ट करेंगे सरफेस का उस उसमें से हम क्या करेंगे जो फर्स्ट फ्लो रेनफॉल थी उसका पानी हम अलग रखेंगे दूसरा जो हम कलेक्ट करेंगे तो जो फर्स्ट फॉल रेनफॉल थी उसमें क्या होती है ग्रॉस इम्प्योरिटीज होती हैं इसीलिए हम उसकी सेपरेशन कर देंगे सरफेस वाटर क्या होता है इंक्लूड्स रिवर्स क्रीक क्लेश स्ट्रीम पॉन्ड्स ह्यूमन मेड इम्पाउंडिंग रिजर्वायर इसमें क्या क्या शामिल होते हैं सरफेस वाटर कहाँ होता है, है? दरियाओं में होता है नदी नालियों में होता है झीलों में होता है तालाब में होता है और जो ह्यूमन अपने तरफ से इम्पाउंडिंग है, बनाते हैं जो छोटी छोटी नदियाँ बनाते हैं जहाँ रिजर्वायर जहाँ पानी ठहरा होता है, है, है वहाँ पे हमारा सरफेस वाटर मौजूद होता है इट्स कंपोजिशन इज़ वेरिएबल एंड डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैचमेंट बेसिन इसकी जो कंपोजिशन होती है वो मुख्तलिफ होती है, करती है उन कैरेक्टर पर जो कि कैचमेंट बेसिन कैचम हम उनको कहते हैं जो हमारे घरों में टैंक या टैंकिया वगैरह होती हैं इट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द पोलूशन बाई डिपेंड ऑन दिस वाटर यानी कि डायरेक्टली एक्सपोज होता है पोल्यूशन से जो सरफेस वॉश होता है वाटर कैरियर सिस्टम से मतलब कि एक जगह पानी अब भरा हुआ है अब आप जब किसी चीज को वॉश वगैरह करोगे तो वो सरफेस वॉश हो जाएगा कैरियर सिस्टम के थ्रू तमाम जो कुछ ज़्यादातर जो लार्ज सिटीज़ होती हैं वो इन पर डिपेंड करती हैं वो कहाँ से पानी यूज़ करती हैं दरिया से यूज़ करती हैं नदी नालियों से वगैरह से जो झीलें वगैरह होती हैं वहाँ से पानी को यूज़ करती हैं रिवर्स एंड स्ट्रीम्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर द नेचुरल ड्रेनेज चैनल ऑफ़ वाटर ऑफ एनी रीजन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स यानी कि दरिया और नहरें एक क़ुदरती ड्रेनेज है वाटर का कुदरती एक चैनल है हर इलाके में पाया जाता है गाँव देहातों में Lakes. These are natural and human-made, which may improve uh, water drawn from the watersheds of catchment areas. Water remains stored for long time in lakes. Due to long time storage of water, it promotes sedimentation of colloid and suspended impurities in water. Disinfection. अकर्स ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ वाटर टू सनलाइट लेग्स यानी कि ये एक कुदरती होती है और, और लोग भी इसको बनाते हैं जो कि इम्प्रूव करती है हमारे वाटर शेड्स को और कैचमेंट एरिया को इसके अंदर पानी जो है काफ़ी टाइम तक रिजर्वायर रहता है काफ़ी टाइम तक रहता है तो उस उस दौरान क्या होता है ये क्या प्रोमोट करता है सेलिमेंटेशन को प्रोमोट करता है और इम्प्योरिटीज़ जितनी भी होती है वाटर में उसको सस्पेंड कर देता है जब यह डिस होता है जब ये लॉन्ग टाइम के लिए पानी जमा रहता है तो जो इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो वो इसको क्या करती है डिसइनफेक्शन कर देती है अंडरग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर इज़ मच बेटर देन सरफेस वाटर इट प्रोवाइड्स इट सेल्फ़ एंड इफेक्टिव फ़िल्टरिंग मीडियम ग्राउंड वाटर इज़ रिचार्ज विद रेन वाटर इट इज़ फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वेल्स आर द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर क्या है बेहतर होता है सरफेस वाटर से यह हमें क्या प्रोवाइड करता है इसमें खुद ही में क्या होता है एक फ़िल्टरिंग मीडियम लगा होता है जो कि खुद को ही फ़िल्टर कर रहा होता है ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज किया जाता है रेन वाटर से और ये तमाम ऑर्गेनिज्म से क्या होता है फ्री होता है इसमें क्या शामिल है वेल्स वेल्स किसको कहते हैं कुआँ हमारे पास दो टाइप के वेल होते हैं एक होता है शेलो वेल जिसमें हैंड पंप लगा होता है और एक होता है डीप वेल जिसमें हम वो बाल्टी डालकर और फिर रॉप से उसको खींच के फिर हम पानी को निकालते हैं शेलो वेल इज वन विच टेप्स द वाटर फ्रॉम अबव द फर्स्ट एम प्रीवियस लेयर इन द ग्राउंड द अर्थ इज फॉर्मड ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ मटेरियल्स लाइक सेंट क्ले लाइम स्टोन शेलोवेल में क्या होता है जब हम पानी को टैप करते हैं जब हम हैंडप यूज़ करते हैं तो जो ज़मीन की जो पहली लेयर है जो इम्प्रीवियस लेयर है पानी वहाँ से आता है और वो ज़मीन की मुख्तलिफ लेयर होती हैं जैसे कि मट्टी से बनी होती है क्ले सेल और लाइमस्टोन से बनी होती है जो इसकी अधर लेयर होती है जैसे लाइमस्टोन और सैंडस्टोन मतलब जब हम पानी हैंडपम्प यूज़ करते हैं जब हम चलाते हैं उसको तो पानी आता है तो वो कहाँ से आता है लाइमस्टोन और सैंडस्टोन वाली लेयर से गुजर के आता है जिसको हम इम्प्रीवियस लेयर भी कहते हैं शेलो वेल इज अल वीच बीन डक बोर्ड ड्राइवन रेल इन टू द ग्राउंड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेटिंग वाटर इज अ वेल वेल इज कंसिडर टू बी शेलो इफ इज लेस देन 50 फीट डीप जो हमारे पास शेलोवेल होता है वो एक होल नोमा होता है डग बनी होती है ठीक है और ड्रिल होता है ग्राउंड में कि किस मकसद के लिए होते हैं ताकि पानी को एक्सट्रैक्ट कर सके और जो हमारे पास शेलोवेल होता है उसका आ, कितना डीप होता है वो फिफ्टी फीट डीप होता है टैप वाटर फ्रॉम आवर्स फर्स्ट इंड केमिकली वाटर इज मॉडरेटली हार्ड बैक्टेरियलॉजिकली पोल्यूटि ड्यू टू सरफेस एंड सबसॉइल पोल्यूशन इन समर इट यील्ड्स नो वाटर एंड ड्राइज ऑफ टेप वाटर क्या होता है लेयर से गुजर के आता है केमिकली वाटर जो है वो मॉडरेटली हार्ड होता है बैक्टेरियोलॉजिकली है वो पॉल्यूटेड होता है किसकी वजह से जो सरफेस वगैरह होती है सब सॉयल वगैरह होते हैं और इन समर समर में क्या होता है ज्यादातर पानी जो है वो खुश्क हो जाता है डीप फेल में क्या होता है इज वन विच पेनिट्रेट द फर्स्ट इम्प्रीवियस लेयर इन द ग्राउंड एंड टैप्स द वॉटर लाइन बिनि द इमप्रीवियस लेयर टेप्स वाटर फ्राम बिलो द फर्स्ट इमप्रीवियस लेयर केमिकली वाटर इज मच हार्डर बैक्टेरियोलॉजिकली इट इज मॉर प्योर इट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ कॉन्सियस सप्लाई इन रेस्पेक्टिव ऑफ सीजन डीप फेल क्या है डीप वेल में हमारी जो फर्स्ट इम्प्रीवियस लेयर थी जो लाइम स्टोन और सेंट स्टोन से मिलकर बनी थी वहाँ से पानी आ रहा था लेकिन जब वो शेलो वेल से जब हम निकाल रहे थे उसको हैंडपम्प के थ्रू डीप फेल में होता है कि पानी इम्प्रीवियस लेयर से नीचे जो लेयर्स होती हैं जो कि क्ले सैंड्स एंड लाइम से बनी होती है वहाँ से गुजर के पानी आ रहा होता है टेप वाटर क्या होता है इम्प्रीवियस लेयर के नीचे से आता है केमिकली वाटर ये हार्ड होता है बैक्टेरियोलॉजिकली ये प्योर होता है और ये हमें एक सीज़न इ सीजन कॉन्स्टेंट सप्लाई करते हैं मतलब गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है हार्डनेस इज़ एन वाटर कैन बी क्लासीफाइड इन टू हार्डनेस जो है वो दो किस्म में क्लासीफाइड किया गया है एक होता है टेम्प्रेरी हार्डनेस दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस टेम्प्रेरी हार्डनेस क्या होता है ड्यू टू प्रेजेंस टेम्प्रेरी हार्डनेस में क्या होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाई कार्बोनेट्स एंड कैल्शियम एंड मैगनीशियम टेम्प्रेरी हार्डनेस उसको कहते हैं जब पानी के अंदर बाईकार होंगे कैल्शियम एंड मैगनीशियम होंगे तो वो टेम्प्रेरी हार्ड होगा परमानेंटी हार्डनेस किसको कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट क्लोराइड्स नाइट्रेट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम अब कैल्शियम मैग्नीशियम तो टेम्प्रेरी में भी था लेकिन उसमें क्या था बाइकार्ब था जब बाइकार्ब होगा तो वो क्या होगा टेम्प्रेरी हार्डनेस में आ जाएगा ठीक है लेकिन अगर उसमें सल्फेट होगा क्लोराइड्स होंगे नाइट्रेट होंगे कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ तो वो परमानेंट हार्डनेस कहलाएगा हार्डनेस इन वाटर शुड बी एक्सप्रेस एल मिली क्वलेंट पर लीटर वाटर की जो हार्डनेस होती है वो पर लीटर एक्सप्रेस होनी चाहिए अब सॉफ्ट वाटर कितना है फिफ्टी मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मॉडरेट वाटर फिफ्टी टू वन फोर्टी नाइन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड हार्ड वाटर इज वन फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड वेरी हार्ड थ्री ग्रेटर देन थ्री हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड ड्रिंकिंग वाटर शुड भी मॉडरेटली हार्ड सॉफ्टिंग ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड वेट हार्डनेस एग्जिस्ट वन फिफ्टी मिलीग्राम पर लीटर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो मॉडरेटली हार्ड होना चाहिए सॉफ्टिंग वाटर हम उसको फिर हम बनाएंगे और उसके बाद हम उसको यूज करेंगे एडवांटेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर अब इसके फायदे क्या हैं वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर इज दैट इफ है इज गुड फॉर हार्ड हार्डनेस ऑफ वाटर में हमने तीन तरह के हार्डनेस पढ़ी थी चार सॉफ्ट मॉडरेट हार्ड वेरी हार्ड जो मॉडरेट होता है वो हार्ट के लिए बेहतर होता है अच्छा होता है और डिसएडवांटेज इसका क्या है इट कंज्यूम मोर सोप स्केलिंग ऑफ बॉयलिंग वैन हीटिंग ग्रेटर फ्यूल कंज्यूपन लेस एफिशिएंसी मैनी कोस ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर्स एडवर्स इफेक्ट ऑन कुकिंग इट डिले कुकिंग फैब्रिक फॉश विथ सॉप इन हार्ड वाटर डू नॉट हैव लॉन्ग लाइफ स्टैंड द क्लोथ फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल एंड थर्स लीड टू इकोनॉमिक क्लोथ डिसएडवाटेज इसका क्या है कि इसमें झाग ज़्यादा बनते हैं जब हम इसको बॉयल करते हैं तो इसकी स्केलिंग जो है वो हाई चली जाती है फ्यूल कंजन होता है लेस एफिशिएंसी होती है इसके बहुत सारे कॉज हैं कि ब्रस्टिंग हो, सक, बस्टिंग हो सकती है बॉइलिंग के दौरान और इसका जो इफेक्ट है वो कुकिंग पे भी पड़ता है और फैब्रिक वगैरह जो कपड़े वगैरह हम इससे धोते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलते खराब हो जाते हैं और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी सुइटेबल नहीं है और इकोनॉमिक लॉस भी इससे हो सकता है सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन द सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम दिस ह्यूमन एक्टिविटीज सीवेज इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड वेस्टिस एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स फिजिकल पोल्यूटेंट सीवेज क्या होता है विच कंटेंट डिकम्पोजिबल ऑर्गेनिक मटेरियल एंड पैथोजेनिक एजेंट एग्जाम्पल इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म सीवेज उसको कहते हैं जो कि डिकम्पोज हो ऑर्गेनिक मटेरियल से और पैथोजेनिक एजेंट्स उसमें शामिल हों जैसे कि इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म उसको हम सीवेज का के पानी कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड वेस्ट कौन सा होता है जो कि टॉक्सिक एंड केमिकल एजेंट जिसमें शामिल होते हैं जो टेक्सटाइल के लिए यूज़ होता है मिल्स में यूज़ होता है स्टील इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट किसको कहते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ होता है इरिगेशन वाटर कैरीज फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स टू रिवर वेल्स एंड पोट्स आबूपाशी करने के लिए यूज़ होता है फर्टिलाइजन फर्टिलाइजेशन uh, के लिए यूज़ होता है खेती बाड़ी करने के लिए यूज़ होता है और ये पानी हम कहाँ से हासिल करते हैं दरियाओं से कुएं से तालाब से फिजिकल पोल्यूटेंट कौन सा होता है वो जो कि थर्मल पोल्यूशन थर्मल पोल्यूशन में रेडियो एक्टिव यानी कि वो जो फिज़िकली पानी यूज़ हो रहा होता है कम्युनिटीज वग़ैरह में वो वाले उसको हम कहते हैं फिजिकल पोल्यूटेंट हीट बाई ऑक्सीजन डी ऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर ऑल्सो कॉज थर्मल पोल्यूशन वाटर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं एक होता है इसका डोमेस्टिक यूज जो घरों में यूज़ होता है पब्लिक यूज़ इंडस्ट्रियल यूज़ एग्रीकल्चरल यूज़ डोमेस्टिक यूज़ क्या है वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग कुकिंग वॉशिंग पर्सनल क्लिननेस क्लीनिंग ऑफ कार शेड्स डोमेस्टिक यूज़ वो होता है जो कि पीने के लिए इस्तेमाल हो कुकिंग के लिए इस्तेमाल हो वॉशिंग के लिए इस्तेमाल हो पर्सनल हाइजीन के लिए क्लिननेस के लिए तो वो हमारा डोमेस्टिक यूज़ होता है पब्लिक यूज़ कौन सा होता है वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक क्लीनिंग फाइटिंग मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक गार्डनिंग रनिंग पूल्स एंड न्यूमरस अदर पर्पज पब्लिक यूज जो होता है वो इसलिए यूज होता है कि लोगों की सफाई सुथराई के लिए यूज़ होता है जो गार्डनिंग वगैरह होती है उसकी मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है इंडस्ट्रियल यूज़ कौन सा होता है सम इंडस्ट्रीज लाइक द आयरन फार्म क्यूटिकल स्टील एंड पेपर इंडस्ट्रीज लॉट्स ऑफ वाटर कुछ सनतों के नाम यहाँ बताए हैं जैसे आयरन लोहे की सनत फार्माक्यूटिकल दवाइयों की सनत स्टील एंड पेपर इंडस्ट्रीज में क्या है? है. होता, है? है, food, होता है पानी को पानी की ज्यादा नीड होती है एग्रीकल्चरल यूज कैसे होता है कल्टिवेशन करते हैं फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को और रॉ मटेरियल्स की कल्टिवेशन के लिए यूज होता है पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको सोशल इकोनो इसका जो फैक्टर है वो सोशल इकोनॉमिक पे पड़ता है कल्चरल पे जबकि डेवलपमेंट होती है कम्युनिटी में एज अ होल अब पानी से होने वाली डिजीज कौन कौन सी हैं Waterborne disease are any illness caused by drinking water contaminated by human or animal feces which contain pathogenic microorganisms. The burden of several disease groups can only partly be attributed to water dominants, even. वेअर वाटर प्लेज एन इजेंशियल रोल इन द इकोलॉजी ऑफ डिजीज़ पानी से जो डिजीज़ पैदा होती हैं वो इल्नेस कॉज करती हैं वो किस वजह से होती हैं जो हम पानी पीते हैं अगर वो कंटामिनेटेड है कंटामिनेटेड किसकी वजह से होता है ह्यूमन एंड एनिमल फीसिस की वजह से होता है स्टूल की वजह से होता है जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म कंटेन करता है उसका जो ज़्यादातर सेवरल डिजीज़ होती हैं पानी से वो किस लिए होती हैं कि वो कंटामिनेटेड होता है उसमें डर्मिनेंट्स होते हैं वाटर जो है बहुत ही इजेंशल रोल प्ले करता है डिजीज़ में वाटर डिजीज़ कौन कौन सी होती है एस्क्रियासिस बॉट्यूलिज्म कोलरा डायरिया हुक वाम इन्फेक्शन लीड पॉइजनिंग एस्क्रियासिस क्या होता है ये मोस्ट कॉमन राउंड वाम इन्फेक्शन यानी कि जिसको पेट के कीड़े कहते हैं ये अक्सर बच्चों में भी हो जाता है तो ये हमारा क्या है कॉमन डिजीज़ है और ये किस वजह से होता है पानी की वजह से होता है बोटुलिजम क्या है इनमें से एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है इसका जो बैक्टीरिया है बैक्टेरियम क्लोस्टोरिडियम बोटुलडियम ये उसकी वजह से होता है और ये क्या करता है टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है अगर हमारे खाने में टॉक्सिन है जो लो एसिड प्रिजर्व वेजिटेबल्स होती हैं जैसे पालक है मशरूम है फिश है जो मीट प्रोडक्ट होती हैं उनमें अगर एसिडिटी कम है तो उसकी वजह से हमें ये हो सकता है कॉलरा क्या है एक इन्फेक्शस डिजीज है जो कि वाटरी डायरिया है जिसको हम कहते हैं जो डिहाइड्रेशन करवाती है और सम टाइम अगर इसको ट्रीट ना किया जाए अनट्रीटेड हो तो डेथ भी हो सकती है बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती है ये और ये किस वजह से होती है ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर खाना खाने की वजह से और पानी पीने की वजह से अब यह नहीं है कि खाना आप खा रहे हो आपको कॉलरा हो गया डायरिया हो गया नहीं अगर वो खाना कंटामिनेटेड है अगर वो पानी वो कंटामिनेटेड है अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल है और इसमें कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस शामिल होता है विब्रियो कॉलराय जो कि आपको कोलराय इन्फेक्शस डिजीज है वो करवाता है डायरिया क्या है डायरिया एक लूज मोशन है वॉटरी स्टूल है बाल मूवमेंट जिसको हम कहते हैं इफ़ यू हैव डायरिया लूज स्टूल थ्री और मोर टाइम्स इन वन डे एक दिन में अगर आपको तीन से चार बार लूज मोशन हो रहे हैं अक्यूट डायरिया इज डायरिया दैट लीज अ शॉर्ट टाइम इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम तो ये कॉमन प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना चाहिए हमें फौरी तौर पर कवर करना चाहिए वो अक्यूट डायरिया कहलाएगा जो शॉर्ट टाइम के लिए आपको होता है ठीक है हुकॉम इन्फेक्शन क्या होता है हुकॉम इन्फेक्शन एक इन्फेक्शन है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है उसका सबब क्या होता है उसकी वजह से हमें इचिंग होती है रैशीज़ हो जाते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है जी आई ट्रैक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कहते हैं किस और जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी वजह से हमें क्या होता है आयरन डेफिशेंसी हो जाती है एनीमिया हो जाता है और हमारा जो ब्लड होता है वो ज़्यादातर लॉस हो रहा होता है लीड पॉइजनिंग क्या होता है लीड पॉइजनिंग एक एक जो है मेटल पॉइजनिंग है जो कि हमारी बॉडी में होता है इसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे एबडोमिनल पेन हो गया कॉन्स्टिपेशन हो गई हेडेक्स हो गया इरिटेबिलिटी हो गया मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती है इनएबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन और टिंग्निंग हो जाती है हमारे हैंड्स में और फीट्स में मोस्ट कॉमन डिजीज़ कौन कौन सी है डायरिया है और हेपेटाइटिस ए है हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है पानी की वजह से होता है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है वाटर वाटरबॉन डिजीज स्प्रेड स्प्रेड बाई कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम विद द यूरिन एंड फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल और पीपल वाटर वाटरबॉन डिजीज से ट्रांसमिशन किस तरह हो सकता है हेपेटाइटिस ए का और डायरिया का कि वो पानी जो आप पी रहे हो वो पानी जो आप यूज़ कर रहे हो वो खाना जो आप खा रहे हो उस वो अगर कंटामिनेटेड है एनिमल फीसिस से या यूरिन से तो वो क्या है उससे आपको डिजीज हो सकती है अब हम इसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं कंट्रोल ऑफ वाटर वाटरबॉन डिजीज इट इज़ वेल रिकोगनाइज दैट द प्रीवलेंस ऑफ वाटर बॉन डिजीज कैन बी ग्रेटली रिड्यूज बाय प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ डिस्पोजिबल ऑफ फेसिस वाटर इज इन्फेक्टेड बाई किल एनी पैथोजीन दैट मे बी प्रेजेंट इन द वाटर सप्लाई एंड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ग्रोइंग अगेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर दैट पर्पज यानी कि पानी को अगर वेल well रिकॉग्नाइज एक माना गया है कि इस पानी किस जो होने वाली डिजीज़ है उसको हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं जो ड्रिंकिंग वाटर है सेफ़ पानी है साफ़ सुथरा पानी उसको हम किस तरीके से डिसइनफेक्टेड कर सकते हैं उसमें से पैथोजिन को किस तरह रिमूव कर सकते हैं वो पैथोजिन वो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर प्रेजेंट है पानी में जब पानी सप्लाई हो रहा है तो उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं पानी हमारे पास सप्लाई होकर आ रहा है अगर वो गंदा है अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर उसमें बैक्टीरिया है वायरसेस हैं तो हम उसको किस तरीके से साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं उसको हम डिसिनफेक्ट कर सकते हैं क्लोरीन मिला के कर सकते हैं ओजोन से कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से कर सकते हैं बॉयल करके कर सकते हैं या फिर हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव था हमारा प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर ऑन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल लार्ज स्केल पे पानी कैसे प्योरीफाई किया जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू लार्ज स्केल पे पानी जो है वो साफ़ किया जाता है फिल्ट्रेशन इज़ द मेथड ऑफ लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन रिमूव ऑल सस्पेंडेड इंप्योरिटीज फ्रॉम द वॉटर एंड 98 टू 99 परसेंट ऑफ बैक्टीरिया ओवर एग्स सिस्ट विच आर हार्ड शेस डेट प्रोटेक्ट सम पैरासाइट्स एट अ सर्टेन स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल फिल्ट्रेशन पर जो है एक लार्ज स्केले सबसे बड़ा मेथड यहाँ पर किया जाता है पानी को फिल्टर किया जाता है पानी की जो प्योरीफिकेशन है उसमें क्या होता है जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं सस्पेंड कर दी जाती हैं रिमूव कर दिया जाता है पानी सौ में से अट्ठानवे या निन्यानवे परसेंट बैक्टीरिया ओवा या सिस्ट वग़ैरह जो है वो रिमूव कर दिया जाता है फ़िल्ट्रेशन की वजह से जो कि हा हार्ट शेल्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं पैरासाइट से और हमारी लाइफ साइकिल पर सर्टेन स्टेज पर हमें हेल्प कर रहे होते हैं स्मॉल स्केल में हम किस तरीके से पानी की प्योरिफिकेशन कर सकते हैं बॉइलिंग करके दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर इट्स अ चीपेस्ट रिलायबल सिंपल एंड सेफ मेथड ऑफ डिस इन्फेक्टिंग एंड प्यूरिफाइंग द वाटर बॉइलिंग ऑफ वाटर फाइव टू टेन मिनट्स किल दिस्ट स्पोर्ट्स ऑफ बैक्टेरिया सबसे बड़ी हाई लेवल पे जो हो रहा था वो पानी फिल्टर होकर हमारे पास आ रहा था अगर हम घर में ही इसको करें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं बहुत ही सादा सा मेथड है बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल पानी को बॉईल करें सारी प्योरीफिकेशन पानी की हो जाएगी चीप पेस्ट मैथड है रिलायबल है बहुत ही आसान है कि किस तरीके से कर सकते हैं पानी को बॉयल करें पाँच या दस मिनट तो उसमें से सारी सिस्ट वग़ैरह जो भी बैक्टीरिया हैं स्पोर्स हैं ओवा हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पैरासाइड हैं सब किल हो जाएंगे Water should be boiled preferably in the same container in which is to be stored to avoid contamination. पानी जिस कंटेनर में आप पानी को उबाल रहे हो जब पानी उबल जाए तो उसको उसी कंटेनर में स्टोर करके उसको अवॉइड कंटेमिनेशन पे रख दें मतलब उसको कवर करके रख दें तो आपका पानी सेफ रहेगा अब इक्विपमेंट जब आप घर में पानी उबालोगे तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको एक वाटर कंटेनर चाहिए होगा वो बर्तन जिसमें आप पानी डाल के पानी को उबाल सको इंटेंस हीट चाहिए होगा आपको फ्यूल चाहिए होगा चाहे वो आप लकड़ियों पर पानी उबालो गैस पर उबालो या कोई उसके लिए फ्यूल वगैरह यूज़ करो मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस हीट ये लाजमी है पानी में इस तरह उबाल आना चाहिए कि उसकी हीट प्रोड्यूस हो उसमें से धुआं निकले प्रोसेस क्या है उसका वाटर शुड बी प्लेस इन अ कंटेनर एंड हीट अंटिल बॉयलिंग पानी को आप कंटेनर में डालें उसको हीट करने के लिए रख दें जब तक उसमें बॉयल ना आ जाए द वाटर शुड बी अलाउड टू तो बॉयल एट लीस्ट टेन मिनट्स पानी में उबाल आना चाहिए तकरीबन दस मिनट तक वंस कूल्ड द वाटर विल बी रेडी टू यूज जब पानी ठंडा हो जाए उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं अब उसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं कि अगर हम पानी को उबाल के यूज करें तो उसके क्या फायदे हैं सिंपल एंड इफेक्टिव मैथड ऑफ प्योरीफिकेशन विल किल मैनी वाटर वन बैक्टेरिया थ्रो द इंटेंसीड यूज लोकल अवेलेबल मटेरियल बहुत ही सिंपल है इफ़ेक्टिव मैथड है प्योरीफिकेशन का तमाम वाटरबंट बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल कर देता है इंटेंस हीट के थ्रू इंटेंस हीट वो होती है जब पानी वो बाला रहा होता है तो उसमें ज़ोर ज़ोर से जो है वो बुलबुलें भी आ रहे होते हैं और साथ साथ हीट भी रिमूव होती है लोकल अवेलेबल मटेरियल मतलब कि जो आपके घर में चीज़ें हैं आप उन्हीं को यूज़ करके पानी को प्योरीफाई कर रहे हो डिसएडवांटेजेस कौन से होते हैं कैन समाइम्स भी डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट इन इनएफिशियंट बिकॉज ऑफ द हाई वॉल्यूम ऑफ फ्यूल यूज विल नॉट रिमूव मर्ड फ्रॉम मर्की वाटर विल नॉट रिमूव सस्पेंड और डिजोल्व कम्पोनेंट मर्की वाटर आपका कौन सा होता है वो पानी जिसमें जो गंदा हो जो गंदा पानी होता है वो आपका मर्की वाटर कहलाता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्ट भी आपके इनएफिशेंट है कोई कॉस्ट वगैरह नहीं लग रही हाई वॉल्यूम फ्यूल भी नहीं चाहिए होता है इसमें आप पानी में उबाल लेके उसको चूल्हा कम करके उसको दस मिनट के लिए उबालें ठंडा करें और इस्तेमाल करें केमिकल डिसइंफेक्शन क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर अगर उसको हम केमिकल से साफ करें तो किस तरीके से करेंगे ब्लीच के जरिए इन एनी एम्पटी बॉटल ऑफ स्क्वास टेक वन टेबल स्पून ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन इट मेक अ सोल्यूशन एंड कीप इट क्लोज टेक वन टेबल स्पून ऑफ दैट सोल्यूशन इन फोर गैलन और एटीन लीटर ऑफ वाटर आफ्टर मिक्सिंग ब्लीच सोल्यूशन इन वाटर कीप कीपच वाटर फॉर एटलीस्ट टू आवर्स एंड देन फिल्टर इन क्लॉथ एंड यूज इट ब्लीचिंग पाउडर में आप क्या वाटर को पानी को किस तरीके से साफ़ कर सकते हो आप एक शीशे की बोतल लोगे छोटी खाली बिल्कुल बोतल होगी उसमें एक टेबल स्पून आपने ब्लीच का पाउडर डालना है और उसको मैश कर लेना है जब आप उसको शेक करके मिक्स कर लोगे उसके बाद आपने क्या करना है पानी को आप पानी को आपने तकरीबन चार गैलन पानी लेना है या अठारह लीटर पानी लेना है उन चार गैलन पानी में या उस अट्ठारह लीटर पानी में आपने वो एक टेबल स्पू जो आपने बोतल में इसका स्क्वैश बनाया था उसमें से वन टेबल स्पून आप लेकर उस चार गैलन पानी या अठारह लीटर पानी में जब आप डालोगे उसके बाद उसको आप मिक्स करोगे जब ब्लीच का सॉल्यूशन आप मिक्स कर लोगे और उसके बाद आप पानी को नहीं छेड़ोगे पानी को अनटच करोगे मतलब कि आप उसको छेड़ोगे नहीं टच नहीं करोगे उसको हिलाओगे जिलाओगे नहीं उसके बाद दो घंटे के बाद आप क्या करोगे कोई कपड़ा लेके कपड़े में उसको फिल्टर करोगे और उसके बाद उसको यूज़ कर लोगे दूसरा तरीका इसका क्या है एलम जिसको हम फिटकरी कहते हैं इट इज़ यूज टू क्लीन द वाटर फॉर डस्ट जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट फोर ग्राम पर फाइव लीटर ऑफ वाटर इज़ सफिशेंट टू प्योरीफाई इट एलम कैन नॉट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट जस्ट क्लीन द डस्ट फ्रॉम द वाटर यूज़ एलम हाफ एन आवर बिफोर बॉइलिंग द वाटर टू क्लीन वाटर एलम जिसको हम फिटकरी कहते हैं अब फिटकरी किस तरीके से काम करती है ये पानी को साफ तो करती है लेकिन क्या करती है एलम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करती फिटकरी से जा, 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 जरासीम होते हैं वो मरते नहीं हैं सिर्फ़ उसकी पानी की सफ़ाई होती है जो भी मट्टी वगैरह होती है टर्बिट होती है वो क्या होती है नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर की सतह जो होती है सरफेस वाटर आ जाता है वो साफ़ हो जाता है हम क्या करेंगे पाँच लीटर अगर हमारे पास पानी है तो हम जीरो या ज़ीरो ग्राम पर फाइव लीटर हमने एलम यूज़ करनी है और एलम आप किस तरीके से यूज़ करेंगे पानी में आप आधे घंटे पहले एलम को यूज़ करेंगे जब पानी की सारी टर्बिट नीचे आ जाएगी उबालने से पहले आपने ये करना है उसके बाद आपका पानी क्लीन हो जाएगा फिर आपने पानी पी लेना है अब उसका एडवांटेज क्या है इजी टू यूज मेथड टू केमिकल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इफेक्टिवेट किलिंग एंड वायरसेस इन एक्सपेंसिव आप फिटकरी से आपके किस तरीके से फ़ायदे उठा सकते हो बहुत आसान तरीका है बहुत आसान सा मेथड है केमिकल प्योरीफिकेशन हो रही है आपके वाटर की इफ़ेक्टिव हो रहा है यानी कि बैक्टीरिया किल हो रहे हैं क्योंकि जाहिर है आप एलम यूज़ कर रहे हो उसके बाद आप उसको बॉयल कर रहे हो तो डबल आपकी प्यरीफिकेशन हो गई बॉयलिंग वाटर में भी हो गया और एलम भी यूज़ हो गई है और इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो डिसएडवाटेजेस उसके क्या है नॉट इफेक्टिव किलिंग ऑल पैरासाइड मतलब आप अगर उसको बॉयल नहीं करोगे जस्ट आप एलम यूज करें तो एलम से फिटकरी से जो है पेरासाइड नहीं मरते ठीक तो है तो वो आपके लिए डिसएडवाटेजे वो आपके लिए नुकसानदा हो सकता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन फ्रॉम विथ ऑर्गेनिक मटेरियल विथ विच ओवर टाइम कैन बी हेजर्डियस टू हेल्थ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जिनमें आइन्स होते हैं जो कि के कैल्शियम है नाइट्रोजन है सल्फर है ऑक्साइड है इनमें प्लस माइनस देखते हैं तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ मिलेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए वो नुकसानदा हो सकते हैं इट इज़ बेस्ट टू यूज़ द वॉटर इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टोर इन अ प्लास्टिक कंटेनर इन अ कूल एंड शेड प्लेसेज और ये क्या है ये बहुत ही अच्छा तरीका है पानी को यूज़ करने का क्या आप छोटे टाइम में अगर आपको कम टाइम में पानी चाहिए तो आप पानी को यूज़ कर सकते हो स्टोर कर सकते हो किसी प्लास्टिक के कंटेनर में उसको आप ठंडा करें ठंडी जगह पे रखें और धूप से बचाएं तो आप पानी को यूज़ कर सकते हो ये देखें ये आपको एलम नज़र आ रहा है पानी आपका ऐसा है जब आप इसमें एलम घोल देंगे उसके बाद क्या होगा पानी की जो जितनी भी टर्बिट है वो नीचे आ जाएगी थर्ड वाली मैच में जब नीचे आ जाएगी फिर आपको जो ऊपर वाला पानी है वो क्लीन हो जाएगा देन आपने उसी पानी को बॉइयल करेंगे तो जो आपको फोर्थ वाला जा रहा है उसमें पानी आपका क्लीन हो जाएगा Of sunlight rest. This is proof from the research that if we keep the water under sunlight, the water will be free from microorganism. It is very cheap and simple method to purify water. Take clear water in a glass or plastic bottle. Keep this bottle or roof for 5 hours where the sunlight reaches the bottle completely. Now this water after 5 years we can use for drinking and cooking. सनलाइट रेस सबसे आसान तरीका और ये सबूत के साथ रिसर्च की गई है इस पर कि पानी जो है अगर आप सूरज की रोशनी से क्लीन करना चाहते हो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें किल हो जाएंगे बहुत ही आसान सा मेथड है पानी को प्यूरीफाई करने का आप प्लास्टिक की बोतल में पानी लें या गिलास में पानी लें उन बोतल को आप छत पर रख दें पाँच घंटे तक पाँच घंटे तक उस पर जो है सनलाइट इस तरह पड़नी चाहिए कि पूरी वो धूप से कवर हो जाए पाँच घंटे के बाद आप क्या करेंगे पानी को जो है वो यूज कर लेंगे कुक, ड्रिंकिंग के लिए और कुकिंग के लिए तो वो आपका प्यूरीफाई हो जाएगा क्लोरीन टेबलेट से आप किस तरह कर सकते हैं क्लोरीन टेबलेट एंड हेल्जोन टेबलेट आर अवेलेबल इन मार्केट इन वेरियस स्टेट नेम्स दे आर गुड फॉर डिसइंफेक्टिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर सिंगल टेबलेट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव ग्राम इज सफिशिएंट फॉर ट्वेंटी लीटर ऑफ वाटर क्लोरीन की टेबलेट आती है जो कि मार्केट में मिलती है के नाम से भी होती है और मुख्तलि वैराइटीज होती हैं इसकी जिसके नाम से ये दी जाती है वाटर प्योरीफिकेशन की टेबलेट है तो आप क्या करोगे बीस लीटर पानी लेकर बीस लीटर पानी में इसको जीरो पॉइंट फाइव ग्राम जरूरी है सिर्फ जीरो पॉइंट फाइव ग्राम की जो सिंगल टेबलेट होती है वो आप इसमें डालोगे तो ये आपके लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसइनफेक्टिंग कर सकती है क्लोरिन टेबलेट से प्योरीफिकेशन हो सकती है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस इन कनेक्शन विथ वाटर अब हमारा क्या रोल है एज अ नर्स हमारा पानी के साथ और कम्युनिटी के साथ क्या लिंक है सर्वे द वाटर सोर्सेज इन द कम्युनिटी जो वाटर सोर्सेज है कम्युनिटी को हम सर्व करेंगे उनको बताएंगे कि साफ़ पानी कौन सा है गंदा पानी कौन सा है एजुकेट करेंगे पब्लिक को कि पानी कितना ज़रूरी है साफ़ पानी पिए आप लोग और एडवाइस करेंगे प्रॉपर मेथड यानी कि अगर उनके पास पानी आ रहा है तो हम उनको बताएंगे कि आप बगैर पैसे लगाए घर में ही उसको प्योरीफाई कर सकते हैं उसको उबाल के यूज़ करें एजुकेशन देंगे उनको बॉयलिंग वाटर की वाटर बॉन डिजीज़ के बारे में बताएंगे उनकी प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे कि अगर आप पानी को उबाल के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके क्या नुकसान हैं डायरिया हो सकता है कोल्ड्रा हो सकता है हुक्वम डिजीज हो सकती है और अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो सीधा सा हल आप पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें ठीक है इस पानी की उसकी इंपॉर्टेंस क्या है जो एरिया जहां पर आप जो है पानी सप्लाई करते हैं वो एरिया भी आपका क्लीन एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए तो ये थी आज की हमारी पीपीटी थैंक यू सो मच